बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार विश्वविद्यालय के पार्ट वन के 19 से 22 के वैसे छात्र छात्राएं लगभग जो 20 से 25 हजार थे जिनका जो एडमिशन था नॉन अफिलिएट कॉलेज में था, और जब से ये रिपोर्ट आई है कि उन तमाम छात्र छात्राओं को वैसे कॉलेज में शिफ्ट किए जाएंगे या एडजस्ट किए जाएंगे जिसमें सीटें रह गई थी उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, जिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में उन्होंने नॉन अफिलिएट कॉलेज में एडमिशन लिया था, यानी उन तमाम छात्रों को ना ही तो री एडमिशन लेना होगा छात्र छात्राओं को, और ना ही री रजिस्ट्रेशन उनको करवाना होगा, और ना ही जो परीक्षा फॉर्म वो तमाम छात्र छात्राएं भरे हैं जो रिजेक्ट कर दिए गए थे, कई रिपोर्ट ये बता रही है कि वो फॉर्म फिर से एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी तमाम छात्र छात्राएं पार्ट वन की परीक्षा देंगे, ये क्लियर हो गई है। उसके बाद से विश्वविद्यालय डेट और जो रूटीन है उन पर काम करना शुरू कर दी है। पार्ट वन परीक्षा जो होगी आपको अप्रैल के महीना में ये फिक्स है कि हो जाएगा, और यूनिवर्सिटी कोई ना कोई रिपोर्ट लगातार दे रही है। कल की आप देख ले, आप प्रभात खबर या आप हिंदुस्तान अखबार, वहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी। मैं कल आप तक वो वीडियो नहीं पहुँचा पाया था क्योंकि लगभग पूरे दिन इधर से उधर में ही चले गए, रास्ते में ही थे, इस कारण से इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो हेडलाइन आप देख पा रहे ये कल की रिपोर्ट है कि होली के छुट्टी के बाद जारी होगा पार्ट वन परीक्षा का कार्यक्रम। होली की छुट्टी जो है, जो डेट दी गई है छुट्टी की, वो लगभग 3 से 4 तारीख तक है, यानी कॉलेज और विश्वविद्यालय सभी बारात होली, उसके बाद से 31 जो मार्च जो जाने वाली है वो, उसके बाद जो गुड फ्राइडे है, इस सभी फेस्टिवल को लेकर के, इन सभी को लेकर के विश्वविद्यालय और कॉलेज 4 तारीख तक छुट्टी पर रहेगी। उसके बाद से ही पार्ट वन परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रभात खबर में एक रिपोर्ट दी गई है, आपके पार्ट वन परीक्षा की तारीख वो थी 10 तारीख। उसमें बताया गया था कि 10 तारीख से पार्ट वन की परीक्षा हो सकती है, ये एक संभावित तिथि है। और हिंदुस्तान अखबार आप कल की देखेंगे तो उसमें है कि 12 तारीख से पार्ट वन की परीक्षा हो सकती है, यानी 2 तारीख 10 12। और मुझे ऐसा लगता है कि 10 तारीख और 20 तारीख यानी 10 अप्रैल और 20 अप्रैल के बीच में आपके पार्ट वन की परीक्षा शुरू हो सकती है। तो आप तमाम छात्र छात्राएं होली की छुट्टी थोड़ा कम मनाएं और परीक्षा की तैयारी में लगे। क्या है तमाम रिपोर्ट जो डिस्क्रिप्शन दी गई है, आपने हेडलाइन तो देख ही लिया होगा, नीचे है कि बिहार विश्वविद्यालय स्नातक पार्ट वन की परीक्षा 12 अप्रैल तक शुरू कर सकता है, यानी इसमें लास्ट कहा गया है कि 12 अप्रैल तक शुरू कर सकता है, उससे पहले भी हो सकती है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन जो भी होगी हम आपको बताते रहेंगे। आगे की परीक्षा का कार्यक्रम होली की छुट्टी के बाद जारी किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि अप्रैल के दूसरे व तीसरे सप्ताह के बीच स्नातक पार्ट वन की परीक्षा शुरू हो सकती है, इसकी तैयारी चल रही है। छुट्टी के बाद विश्वविद्यालय खुलते ही कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। छात्र काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, इस बीच बिना संबंध वाले कॉलेजों के 20,000 छात्रों को विश्वविद्यालय अलग अलग कॉलेजों में एडजस्ट कर रहा है। जिन अंगीभूत कॉलेजों में जिस आधार पर सीटें खाली है उसी अनुसार छात्रों को कॉलेज आवंटित किया जा रहा है। इस परीक्षा में 1,07,000 से अधिक छात्र शामिल होंगे। यह परीक्षा पिछले साल होने वाली थी, और भी चीजें हैं जो आप यहां पर आसानी से देख सकते हैं। तो ये रिपोर्ट हमें बता रही है कि 12 तारीख या 10 तारीख के उसके बाद और 20 तारीख से पहले पार्ट वन की परीक्षा शुरू हो जाएगी, और साथ ही होली की छुट्टी जस्ट समाप्त होगी उसके जस्ट बाद परीक्षा की कार्यक्रम जारी कर दी जाएगी। तो परीक्षा में कार्यक्रम जो आते हैं उसमें अनर्स वालों का एक अलग तारीख होता है, सब्सिडरी वाले का एक अलग तारीख होता है, और वही MIL हिंदी और नन हिंदी की परीक्षा किस दिन होगी, किस आधार पर होगी, उसकी भी तारीख और टाइम थोड़ा अलग होती है। तो रूटीन आप लोग इस चैनल से समझ करके जाएंगे परीक्षा देने, इस चैनल से जुड़े रहे, बाकी जो भी रिपोर्ट आएगी हम आप तक समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।